गोकर्ण जी की भागवत कथा से धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार तथा समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो लातों से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस बात से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उनकी मां रात को कुएं में कूद पड़ी, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के न रहने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वे योगनिष्ठ थे, उनके मन में इस घटना के कारण न कोई दुख था न कोई सुख, क्योंकि उनका न कोई शत्रु था न मित्र। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके पालन पोषण के लिए बहुत सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी, अतः वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। धुंधुकारी तो काम से अंधा हो रहा था, उसे अपनी मृत्यु की भी याद नहीं रहती थी। वह गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर पुनः अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उन वेश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने ही आभूषण दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, यह प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे, फिर सारा धन छीन कर निश्चय ही इसे प्राण दंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हम ही लोग क्यों न इसे गुप्त रूप से मार डालें? इसे मार, यह सारा धन लेकर हम कहीं और जगह चल लें। ऐसा निश्चय करके उन स्त्रियों ने धुंधुकारी के सो जाने पर उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फांसी डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी चिंता हुई, तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। इससे वह आग की लपटों से पीड़ित होकर छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्रायः ऐसी स्त्रियां बड़ी दुस्साहस वाली होती हैं। इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारे प्रियतम धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह असन्मार्ग पर चलने वाली दुष्टा स्त्रियों का विश्वास न करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है? अनेक पतियों से सहवास करने वाली वे कुलटाएं धुंधुकारी का सारा धन लेकर चंपत हो गईं और धुंधुकारी अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा प्रेत हुआ। वह बवंडर का रूप धारण करके सदा दसों दिशाओं में दौड़ता फिरता था और शीत धाम का क्लेश सहता हुआ, भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ, हा दैव हा दैव की बारंबार पुकार लगाता रहता था, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती थी। कुछ काल के पश्चात गोकर्ण को भी लोगों के मुंह से धुंधुकारी के मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए गया जी में श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में भी वे चले जाते वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकर्ण को वहां सोया देख धुंधुकारी ने आधी रात के समय उन्हें अपना महाभयंकर रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में पुनः मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी बड़े धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएं देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा, अरे भाई तू कौन है? रात्रि के समय अत्यंत भयानक रूप में क्यों प्रकट हुआ है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है?
उनके ऐसा पूछने पर वह बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल ले उसे अभिमंत्रित करके धुंधुकारी के ऊपर छिड़क दिया। उस जल से सींचने पर उसका पाप ताप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है। मैं महान अज्ञान में चक्कर लगा रहा था, अतः मेरे पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की थी, अतः मैं भी स्त्रियों द्वारा तड़पा तड़पा कर मारा गया। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैवाधीन कर्म फल का उदय हुआ है, इसलिए मैं वायु पीकर जीवन धारण करता हूं। मेरे भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोले, भाई यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में विधिपूर्वक पिंडदान किया है, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति न हो तो यहां दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत इस समय मुझे क्या करना चाहिए, यह तुम ही विस्तार पूर्वक बताओ। प्रेत ने कहा, भाई सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसके लिए अब तुम और ही कोई उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़ाना असंभव ही है। अच्छा इस समय तो तुम अपने स्थान पर ही निर्भय होकर रहो, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को काम में लाऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर सोचते विचारते रहे, किंतु उसके उद्धार का कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण ने रात में जो घटना घटित हुई थी वह सब उन्हें कह सुनाई। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट पलट कर देखा, किंतु उन्हें धुंधुकारी के उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उसके मुक्ति के लिए जो उपाय बतावें वही करना चाहिए। यह सुनकर गोकर्ण ने भगवान सूर्य की ओर देखकर कहा, भगवान आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है, आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। यह सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो। भगवान सूर्य का यह ध्वनि रूप वचन वहां सब लोगों ने सुना और सबने यही कहा, यह तो बहुत सरल साधन है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बांचने को तैयार हो गए। उस समय वहां कथा सुनने के लिए आसपास के स्थानों और गांवों से लोग एकत्रित होने लगे। अपंग, अंधे, बूढ़े और मंदभाग्य पुरुष भी अपने पापों का नाश करने के लिए वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बांचने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सात गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाले छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया था। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंध से ही स्पष्टवाणी में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब श्रोताओं के देखते देखते तड़ तड़ शब्द करती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार सात दिनों में उस बांस की सातों गांठों को फोड़कर धुंधुकारी ने बारहों स्कंधों के श्रवण से निष्पाप हो
प्रेत योनि का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण था, शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था, गले में तुलसी की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी, मस्तक पर मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के क्लेशों से मुक्त कर दिया। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली सूखी छोटी और बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए इच्छा या अनिच्छा से होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ ही है। यदि भागवत शास्त्र की कथा सुनने को न मिली तो मोह पूर्वक पालन करके हृष्ट पुष्ट और बलवान बनाए हुए इस अनित्य शरीर से क्या लाभ हुआ, जिसमें हड्डियां ही खंभे हैं, जो नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा है, जिसके ऊपर मांस और रक्त का लेप करके उसे चमड़े से मढ़ दिया गया है, जिसके भीतर से दुर्गंध आती रहती है, जो मल मूत्र का पात्र ही है, वृद्धावस्था और शोक के कारण जो परिणाम में दुखमय जान पड़ता है, जिसमें रोगों का निवास है, जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किए रहना कठिन है, तथा जो अनेक दोषों से भरा हुआ और क्षण भंगुर है, वही यह शरीर कहलाता है। अंत में इसकी तीन ही गतियां होती हैं। यदि मृत्यु के पश्चात इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा बन जाता है, और यदि अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर हो जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस अस्थिर शरीर से स्थाई फल देने वाला कर्म क्यों नहीं कर लेता। प्रातः काल जो अन्न पकाया जाता है वह शाम होने तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर में नित्यता क्या है। इस लोक में श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जहां कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं, वहीं यदि हृदय की गांठें खुल जाएं तो क्या आश्चर्य है। जो भागवत की कथा सुनने से वंचित हैं, वे लोग जल में बुदबुदों और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठ खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधन के हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है। यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों का मत है कि जब यह कथा तीर्थ चित्त में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही है। धुंधुकारी इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा। उससे चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के वैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधुकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा। उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान के परिकरो, यहां तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं, आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए। देखने में आता है सबने समान रूप से यहां कथा श्रवण किया है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया है, इसीलिए फल में भेद हुआ है।
पुनः कथा श्रवण करने पर यह फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त से भली भांति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण संदेह से, मंत्र और चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से कराया हुआ श्राद्ध, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान और सदाचारहीन कुल भी नष्ट ही समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने में दीनता की भावना बनी रहे, मन के दोषों को काबू में रखा जाए और कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहे, इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा पूरा फल मिलता है। पुनः कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। गोकर्ण जी, तुम्हें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गोलोक प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम में चले गए। उसके बाद गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा बांची। उस समय सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया। नारद जी, कथा की समाप्ति होने पर वहां जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विमानों को साथ लिए भक्तों सहित साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया तथा गोकर्ण को छाती से लगाकर उन्हें अपने समान ही बना लिया। उनके सिवा और भी जितने श्रोता थे उन सबको श्रीहरि ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य दे दिया। वे सभी मेघ के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल आदि जितने भी जीव थे उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान पर बिठा लिया और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहां योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण को साथ ले गोपवल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गांव के सब मनुष्यों को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जहां सूर्य, चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती। उसी लोक में वहां के सब प्राणी केवल श्रीमद्भागवत की कथा सुनने से चले गए। नारद जी, श्रीमद्भागवत की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्ज्वल फल समुदाय का संचय होता है उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्ण पुटों के द्वारा पान किया वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। हवा पीकर, पत्ते चबाकर और शरीर को सुखाकर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने से तथा योगाभ्यास करने से भी मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त होता जिसे वे सप्ताह कथा के श्रवण से पा लेते हैं। मुनीश्वर शांडिल्य चित्रकूट में रहकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है, एक बार श्रवण करने पर भी सारी पाप राशि को भस्म कर देता है। यदि श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पूर्ण तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है।